कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं सुखदेव ऋषि थे, सुखदेव जी, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया उस महर्षि सुखदेव जी ने, और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, उस पजावे पर खर बना, गधा बना, और वहां कष्ट उठाया, इटें ढोई। तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। जब सुखदेव जैसे महर्षि ने के साथ यह दुर्गति हुई, उस साधना के करते हुए भी, और तेरी क्या बुनियाद पराणी, आप तो एक सिंपल मैन हो कि कभी कोई मंगलवार ने सुबह का प्रसाद बैठ दिया 100 रुपये का, कि तो 6 महीना माता धो के आया, कि तो तीर्थ पर घूमया, तेरी तू तो कुछ कर भी नहीं रहा, तेरी क्या दुर्गति होगी जो साधना कर रहे हो। एक बार गीता का कोई पाठ भी कर लिया, मान ले कोई ईसा भी धर्म पुण्यात्मा है, कोई गायत्री मंत्र का भी रट्टा लाता है, कहता मैंने 1 लाख गायत्री जाप कर दिए, वो भी कर लिए, फिर भी 84 लाख योनियां तैयार हैं, फिर भी ये कष्ट ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि वो सच साधना न्यारी है, और वो परमात्मा कबीर जी ने बताई है, और इस आजदास के पास है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं, ये अभिमान ना समझना, ये सच्चाई है। तो यहां परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जब कबीर हरि के नाम बिना राजा रसभ हो, रसभ माने गधा, खच्चर, अच्छा ज्यादा वजन डाला जाता जिस पर भारा खच्चर, कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना, यानी परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं कि हरि नाम माने हरि का नाम, यानी सच भगवान का सच्चा मंत्र, उसके बिना ये राजा रसभ हो, और मट्टी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। पुनात्माओं, इन कथाओं से आपको भय लगना चाहिए, और डर किसको लगेगा, जो जिनका जो है आत्मा जाग चुकी है, जिनके ऊपर नशा नहीं है, इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का जिसके ऊपर प्रभाव कम हो गया है, उसी को भय लगेगा, इतना डर लगेगा कि भक्ति बहुत करेगा वो प्राणी इस जन्म मरण के रोग से छूटने के लिए। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। राजा जैसे आपको बहुत से प्रमाण देते हैं, पीछे एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कितनी उसकी उम्मीद थी, कितनी आशाएं थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कितनी आशाएं थी, अब क्या बना होगा, जो भक्ति नहीं करते, परमात्मा ही कहता है कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसभ हो, राजा है जो सत भक्ति नहीं करता, मृत्यु के उपरांत फिर पशु योनि में जाता है। तो यहां बताते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। मान लीजिए फिर मनुष्य जीवन मिल जाता है प्राणी को, 84 लाख योनियों में भटक के, फिर वही प्रोसीजर शुरू, संतान ना होया तो दुखी, ब्याह ना होया तो दुखी, हो गया तो महादुखी, संतान ना होया तो दुखी, हो गया तो फिर महादुखी, क्योंकि सारा जीवन उनके पालन पोषण में, और फिर ना जाने कब मृत्यु अपनी हो जाए, बीच में बालक छोटे छोटे रह जाए, और माता पिता के सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, हाहाकार हो जाती है। अब कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, करोड़ जन्म राजा रह लिया फिर भी यही इच्छा न कर दू, इतना मृत्यु हो जाती है, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के। कारण क्या है कि हमें परम संत नहीं मिलते।
कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा, यानी ये यथार्थ मार्ग नहीं मिला आपको। रासा मीन ये यथार्थ ज्ञान में जो उलझेड़ा हो रहा है, इसके अंदर जो इन लोगों ने झंझट बना रखा है, ये यथार्थ ज्ञान तुझे मिला नहीं। पुण्यात्मा ऐसे ऐसे भी साधक आप रहे हो, क्योंकि आपके हृदय में आज भी परमात्मा की चाह है, तो आपने पिछले जन्म जन्मांतर में बहुत भक्ति कर रखी है। और उन्हीं पुण्यात्माओं को जो आज प्रेरित हैं परमात्मा के पाने के लिए, उनकी प्रेरणा प्रबल है, तो वही परमात्मा पाएंगे, क्योंकि वो भटक रहे हैं यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। जहाँ भी उनको कोई संत की महिमा चर्चा सुनती है, भागे दौड़े जाते हैं। और आप बहुत पुण्यात्मा हो जो इसे कलयुग होर में साइंस के ऊपर यू मानो परमात्मा से दूर होता जा रहा है, ऐसे समय में आपके हृदय में परमात्मा की चाह है, तो आपके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि साधों से तीमस्करी और चोरा नाल खुशाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। माल माने पहलवान, रेसलर। अब रेसलर ही अखाड़े को जीतेगा, यानी वही पहलवान के साथ गुलेगा, कुश्ती करेगा, और वही हार जीत उन्हीं की होगी। तो कहते हैं आप इस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, और आप ही इस पाड़े को, इस अखाड़े को जीतोगे। और जो भक्ति के निकट भी नहीं है, सारा दिन ताश खेल रहे, गप्पे मारे, फिल्म देखे, सिनेमा देखे, दो नंबर के काम में दिन रात बर्बाद हो जाते हैं, तो वो परमात्मा कैसे पाएंगे? आप ही का नंबर आएगा। तो क्या बताते हैं, आप जी ने पहले ऐसी ऐसी भी साधनाएं की हैं, कैसे घर त्याग दिया परमात्मा की चाह में, इतने प्रेरित हो जाते हैं इस ज्ञान से पुण्यात्माएं, और फिर वो घर त्याग कर चले जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतर से ऐसे ही हम धक्के खा रहे थे, भटक रहे थे, वही प्रेरणा आज भी हमारे मन में आती है। जंगल में चले गए, जैसा कोई गुरु मिला उससे साधना, उसे उपदेश लिया, और कहाँ कैसे साधना की आपने, गांव में गए, नगर में एक बार भिक्षा मांग लाए, जैसी भी सूखी रोटी आली, जैसी भी मिली गिल्ली सूखी, उनको ले आए, दो पैर ने खाए और रख दिए, वृक्ष के टांग देते थे ये साधु जन, उन कपड़े में बांध के, वो सूख जाती थी गर्मियों, बिल्कुल सूख जाती थी, तो श्याम ने उन्हीं को भिगो के खा लिया, और सुबह भी उन्हीं को भिगो कर खा लिया बची हुई सूखियों को, और दूसरे दिन तीसरे दिन भिक्षा ले आए, और ताकि समय व्यर्थ ना जाए, इतनी कठिन साधना तपस्याएं तो उन्हें की, उसके प्रतिफल में क्या बने, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव आया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। ऐसी साधना करके भी आप जी क्या बने, इंद्र बन गए। इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, जिसको देवराज बोलते हैं। और स्वर्ग यहां से हजार गुना ज्यादा सुखी, ज्यादा ये सुविधाएं, क्योंकि ये जीव इन सुविधाओं को सुख मानता है, तो स्वर्ग के अंदर कितना सुख है, और वहां का जो राजा होगा उसको कितना सुख। इंद्र बन गए। अब इंद्र का कितना शासन काल होता है? एक इंद्र की पदवी प्राप्त प्राणी 72 चौकड़ी युग, 72 चतुर युग तक स्वर्ग का राजा रहता है। जैसे यहां एक योजना, एक मुख्यमंत्री जो है 5 वर्ष तक रह सकता है, प्रधानमंत्री जी भी 5 वर्ष ही रह सकते हैं, वो अलग है, अगली योजना में भी आ जाए वो दूसरी बात है, बाकी उदाहरण के लिए।
तो ऐसे 72 चौकड़ी चतुर्युग, एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं मनुष्य के? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों चतुर्युगी कहलाती है, चारों युग मिलकर। और इसमें कुल वर्ष कितने होते हैं? 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष हमारे। और ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगी तक इंद्र का शासन काल रहता, स्वर्ग का राजा बना रहता है। पुण्यात्मा, इंद्र के साथ क्या बनेगी? एक समय मार्कंडेय गोसाई, मार्कंडेय ऋषि जी बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। अपुणात्मा, जिसने जैसा ज्ञान है वो उसी को श्रेष्ठ मानता है। आप जी जिस भी पंथ में जाइए, उन पंथ से संबंधित अनुयायियों श्रद्धालुओं से बात कीजिए, वो कहेंगे हमारा जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये सभी ऐसे ही मानकर वो संतुष्ट हैं। तो ऐसे ही मार्कंडेय ऋषि जी ब्रह्म साधना करते थे, ब्रह्म लोक की। जैसे श्रीमद देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में दुर्गा ने हिमालय से कहा कि हिमालय को बताया है, राजा हिमालय को, कि आप जी और मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, सब पूजाएं त्याग दो, त्याग देनी चाहिए जिसने मोक्ष चाहिए, और वो ब्रह्म की पूजा करे। ओम उसका नाम है, ओम नाम उसका मंत्र है, ब्रह्म की साधना करे, वही सब कुछ है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब मार्कंडेय जी को यही ज्ञान था कि उस ब्रह्म की साधना कर रहा था, ब्रह्म लोक की उसने चाह थी, उसकी समाधि अर्थात उसकी जो दिव्य दृष्टि थी भक्ति की, वो ब्रह्म लोक में पहुंच जाती थी। जैसे आप साधना करते हो, जैसे आप जी ने सुना है मेडिटेशन, और ये भी सुना है कि कई कई वर्षों तक बैठे रहते थे ये समाधि लगाने वाले, वो समाधि के सांग है, ये बतावा आपको पहले, ये डिफाइन करते हैं। समाधि क्या है? जैसे परमात्मा की चाह में आत्मा भटक रही है, कोई बाहर भटक रहा है, कोई तीर्थ पर जाता है, कोई गंगा पर जाता है, कोई जमुना पर जाता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों में जाते हैं, क्योंकि आत्मा रुक नहीं सकती, परमात्मा की चाह में या लगी हुई है, लगी ही रहेगी जब तक वहां नहीं पहुंच जाती। तो ये जिसको भी जैसा मार्ग किसी ने बता दिया उसी तरह वो चल रहा है। कोई तो बाहर भटक रहा है, कोई शरीर में भटक रहा है, ये शरीर भी एक पूरे ब्रह्मांड का एक इसके अंदर मानचित्र है। आत्मा अंदर से जो मेडिटेशन करने वाले वो वही पुण्यात्मा करते हैं जो पहले जन्मों में भी उनकी यही प्रेरणा और प्रैक्टिस रही है। तो वो अंदर अपनी समाधिस्थ हो जाते हैं, वो किसी कमल में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है, या बैकबोन बोलते हैं, पिछली साइड में, इस बैकबोन के अंदर की तरफ, ये रीढ़ की हड्डी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ समझो, इसके अंदर ऐसा ही अलग से गैप है जैसे उंगली की खाल है, और इसके बीच में बहुत ही बारीक नाड़ी तंत्र है, और उसके ऊपर फिर मांस चिपका हुआ है, उसमें फिर ऐसे जगह जगह पर कमल बने हुए हैं, कमल जिस तरह टीवी में चैनल होते हैं। तो उन कमलों में उस समाधिस्थ होने वाला जो प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेडिटेशन उसका अभ्यास बन गया, तो क्या करता है, वो किसी कमल में प्रवेश कर जाता है इत्फाक से, और उस कमल में यानी उसका वो चैनल ऑन हो जाता है टीवी का, और उसमें जो कार्यक्रम, नाच गाने, कोई एडवर्टाइजमेंट, जो कुछ भी खबर सबर आ रही है, उसको देखने में वो इतना प्रभावित हो जाता है, आगे से आगे देखता रहता है, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। तो ऐसे उस टीवी चैनल को देखते देखते वो बहुत समय तक बैठा रहता। वैसे यू मन ना टिकन दे एक मिनट भी आपको,
ये तो ऐसे मन को चाहिए कोई और अच्छी वस्तुएं, उनको देखने में भी व्यस्त रहता है और हमें ये ऐसे लगता है जैसे यो बड़ा तगड़ा भगत है, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहा है और मेडिटेशन कर रहा है, बड़ा तपस्वी आदमी है। और वो तपस्वी तभी बैठ सकता है जब उसको कुछ अंदर में और चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे सोपन देखते हैं हम, इस प्रकार देखते देखते वो मन, ये आत्मा काफी समय तक ऊपर उन कमलों में घूमती, ऊपर के ब्रह्मांड में घूमती रहती है। कहीं नाच हो रहे हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं फलदार वृक्ष लगे हैं, कहीं बाग लगे हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर ऊपर बहुत गजब के नज़ारे हैं। उन नज़ारों को देखते देखते ये काफी समय व्यतीत कर देता है और फिर उधर से उसका तप माना जाता है कि इसको तप हो गया, तप के बदले में राज्य प्राप्त होता है। कहते हैं तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे वो शुक्र समानम, ये प्रतिफल बता दिया परमेश्वर कबीर जी ने। क्या बताया है कि तप से राजा बनता है और राजा के अंदर अभिमान बहुत होता है जिसके कारण वो इतने पाप इकट्ठे कर देता है, इतने जुल्म कर देता है और अगले जन्म में फिर कुत्ते और सुअर गधे की योनियों में जाता है। तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम, सुअर और कुत्ता बनता है, गधा बनता है। शास्त्रों में लिखा है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओए होए, जो अधिक तपेश्वरी माने जो घना ताप तप करता है, तपों में मतलब तपस्वियों में श्रेष्ठ माना जाने वाला तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तो उसको ही ज्यादा समय तक राज प्राप्त होता है जो घना तप कर रखा है जिसने। और जिसने घना राज मिलेगा वो नरकेश्वरी, यानी उसने नरक भी घना ही भोगना पड़ेगा। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरक में भी इतना ही वो ज्यादा समय मिलेगा जितना उसको तप ज्यादा किया, ज्यादा समय राज मिला तो नरक में भी उसको उतना ही सबसे अधिक समय भोगना पड़ेगा। एक छोटा सा वन था, वन फॉरेस्ट, उसमें ये साधु संत भक्त प्रभु के प्राप्ति में घर त्याग कर वहां रहा करते थे, कुटिया बना रखी थी अलग अलग। आसपास के गांव थे, तीन चार गांव वहां लगते थे, वो श्रद्धालु लोग थे, उन ऋषि महर्षियों की भोजन का व्यवस्था कर दिया करते थे। वो साधुगण गांव में आते थे, कोई लस्सी पी जाता, कोई रोटी खा जाता, ऐसे वो अपनी भक्ति कर रहे थे। एक साधक ने ऐसे ही वो समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस कर रखी थी। एक साधक तपस्वी छा पीने के लिए, छा यानी लस्सी पीने की इच्छा से अपने उस तपोवन से आया। एक माई थी बुढ़िया वृद्धा, सुबह सुबह उसके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला कि आओ महाराज, कैसे आए कि माई छा पिला, लस्सी पिला, बैठो महाराज अभी मैं लस्सी तैयार करती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, दूध को रिड़कती हूँ, बिलाऊ, आप बैठ जाओ। उनका एक आसन लगा दिया कि माई नीचे बछौना बिछा दे मेरा, मैं अपना भजन कर लेता हूँ, आप इतने लस्सी बनाओ। अब बुढ़िया लगी वो लस्सी बनाने, आज से पहले दूध बिलोया करते थे, कभी ठंडा पानी गणा पड़ गया फिर गर्म डालती, यानी घंटा डेढ़ घंटा लग जाया करता दूध को सेट करने में और मक्खन निकाल कर लस्सी बनाने में। तो उधर से वो बैठ गया समाधि ला के, उसने सोचा चली इतनी थोड़ी बहुत देर देख सिनेमा, अंदर का समाधि का अर्थ यही होता है अंदर का सिनेमा देखना।
अब उसका अभ्यास हो रहा था, सेकंडों में गया अंदर और पहुंच गया उसी श्री महल में। अब बुढ़िया ने दूध विरड़क लिया, लस्सी तैयार कर ली, नमक नमक डाल कर जैसे भी, और लेगी अकेले महाराज जी छा पी लो छा। महाराज जी देखकर सिनेमा ऊपर, यानी जैसे ये मेडिटेशन क्या होता है, जैसे आप कई बार बस स्टैंड पर खड़े होते हो और किसी से बातें कर रहे हो, या आपका ध्यान कोई और किसी बात में सोचने में लगा है, आपके पास से बस गुजर जाती है और साथ में टी टी भी कर जाती है, और आपको पता भी कोई ना के गया साथ में, मेरे पास से निकल क्या गया, थोड़ी बहुत आवाज भी सुनती है पर ध्यान नहीं उधर जाता, के जा रहा के वो, क्योंकि उन विचारों में मेडिटेशन है, उसका ध्यान है कहीं और गया हुआ है। तो ऐसे बुढ़िया ने कई आवाज लगाई ना बोलिया, तो माई ने सोची अपनी भक्ति करता होगा, 10 मिनट पाछे उठ लेगा। आध घंटे पाछे फिर आवाज लगाई, नहीं बोले, 2-3 घंटे हो गए, जब सूर्य उदय भी हो गया, दोपहर होगी, 10-11 बज गए, तब उसने सोचा बुढ़िया ने, यू महाराज जी तो बोलता है कोई नहीं, कदे मर गया हो। तो उसने आसपास के गांव के लोग बुलाए कि बाबा जी लस्सी पीने आया था और यू बोलता है कोई नहीं। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, आवाज लगाई, महाराज जी ना बोलिया। फिर वो तपोवन में गए 2-4 व्यक्ति, उनसे कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे आपका संत महाराज वहां लस्सी पीन गए थे, और वो माई ने सारी कहानी बताई उन्होंने, वो बोलता है कोई ना। तो उनमें 2-3 जने आए, उन्होंने भी क्रिया की, उनको छेड़ा छाड़ी की, हाथ पैर लगाए, ना उठा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसने छेड़ो मत, इसकी समाधि लगी हुई है और इसका ध्यान बहुत दूर चला गया है, और इसको छेड़ना, अपने आप ही ये वापस आएगा। अब दोपहर होगी, बाहर बैठा था आंगन में, गर्मियां के दिन थे, तो उसके ऊपर वही झोपड़ी डाल दी ऊपर एक। अब कहने का भाव ये है कि वो काफी वर्षों तक वहीं बैठा रहा, वह बुढ़िया मरगी, उसका आगे पाछे कोई था कोई ना, एक कच्चा सा मकान में रहा करती थी, फिर वो मकान ना संभलने कारण वो मकान गिरा और तपस्वी का गुद्दी में लगी ईंट, और जब उठा नो करके, और उठते नो बोला लै माई छा, ई बुढ़ उसकी बुआ बैठी थी, लै माई छा। अब कहते हैं तपस्या भी करे और तपस्या साधना कर रहे, उठ दे फिर वह इच्छा मिटी ना चाह, इतनी तपस्या की, उठ मूर्खा यूं कह लिया माई छा, छाए खातिर बैठा था उड़े, परमात्मा पाने का अभ्यास कर रहा है तो मालिक का याद आना चाहिए, उठते वह छा फिर याद उसका, फिर के धक्के खान गया था ऊपर। अब ये है ऐसी साधना ये तपस्वी किया करते हैं, और जितनी देर वो वहां रहा बैठा ये उसके तप में लिख देता ये काल, और फिर तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र श्वान। तो अब ये सारी क्रिया समझाने के लिए ये उदाहरण देना पड़ा, तो ये व्यर्थ है। कहने का भाव ये मेडिटेशन इस टाइप के व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग नहीं है ये, काल के जाल में ही फंसे रहने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल द्वारा ही निर्मित बनाया गया। जैसे आप सृष्टि रचना में सुनते हो पढ़ा है, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर काल ने बैठा दिया, इसको होश में ला दिया, इसको ये ही नहीं पता मैं कहां से आ गया, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माँ है, कहां से उत्पन्न हो गया मैं, तो उसने आकाशवाणी की कि तप करो, सृष्टि करो। उसने सोचा सृष्टि क्या की करूं, फिर कहा तप करो। अब इसने 1000 वर्ष तक तप किया, जब 1000 वर्ष तक तप किया, जब आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, और फिर बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, वेद गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, वो ब्रह्म को दिए थे इस काल को, इसने 5वां वेद छुपा दिया सूक्ष्म वेद, और इन 4 वेदों को
समुद्र में छुपा दिया। सागर मंथन के दौरान चारों वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने फिर वेदों को पढ़ा, उसमें ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा जान लिया। अब पर डिस्कस निकल के और ओम नाम के जाप को उत्तम मंत्र मान के ओम नाम का जाप, और साथ में जो पहले काल में आकाशवाणी की थी वो परमात्मा की आकाशवाणी मानकर इस तप की बीमारी और लगा दी। तप करने का वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है और तप करना वेद शास्त्र विरुद्ध है, ये साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये काल ने लगा दी। तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी परमात्मा की मानकर वो तप भी अपनी साधना में समा लिया। तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं और सिद्धियों से फिर ये बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे विष्णु जी के देवी पुराण में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी तपस्या कर रहे हैं, फिर उनके उठने पर पूछा कि हे विष्णु जी, आप किसकी तपस्या करते हो, आप तो भगवान हो, देवेश्वर हो। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं शक्ति दुर्गा यानी दुर्गा की साधना करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ और घोर तप करता हूँ। घोर तप करके सारा कठिन तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, क्यों बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियाँ प्राप्त करता है, फिर राक्षसों को मार कर वो डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी, फिर तप करता है। काल ने ऐसे उलझा रखा है पुण्य प्राणियों को। तो ऐसे इस मेडिटेशन से ये नहीं करनी चाहिए हमने जो ये साधक किया करते हैं। तो उस तप से क्या होता है, तप से राज्य प्राप्त होता है और राज्य पाकर फिर 84 लाख योनियों में नरक में पशु योनि को प्राप्त होता है। ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और तपस्या के दो तरीके होते हैं। एक तो जिसका अभ्यास ज्यादा हो जाता है, आंखें खुली भी रहती हैं और उसका ध्यान मेडिटेशन अपने समाधि के दौरान, क्योंकि आंखें बाहर की आंखें जब अंदर चली जाती है आत्मा बाहर की आंखों को प्रयोग नहीं करती, वो अंदर ही अपने जो आत्मा की आंखें उन्हीं से देखती है। तो ऐसे वो साधना कर रहा था मार्कंडेय ऋषि, ओम नाम का जाप जपे था और तप हठ योग भी करता था जो ब्रह्मा जी से प्राप्त था काल की आकाशवाणी से। उधर जो इंद्र होता है स्वर्ग का राजा, उसको दो बातें नहीं अच्छी लगती। एक तो कोई तप करके उसकी गद्दी को प्राप्त करने योग्य कोई तपस्या ना कर ले, या कोई धर्म यज्ञ करके उसकी गद्दी प्राप्त करने की तपस्या साधना ना कर ले। अब जो वर्तमान इंद्र है स्वर्ग का राजा है, उसको एक और हिदायत होती है कि तेरे शासनकाल में इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, जिससे इंद्र का राज्य प्राप्त होता है, ऐसी कोई साधना सफल होगी किसी की तो तुझे गद्दी से नीचे डाल दिया जाएगा, तेरा राज छीन लिया जाएगा और वो उसको इंद्र का राज दे दिया जाएगा, स्वर्ग का राज दे दिया जाएगा। तो वर्तमान इंद्र को ये चिंता और बनी रहती है, उसके लिए वो हिलकारे छोड़े रहता है, यानी अपने देवताओं की ड्यूटी ला रखी है, वहां के जो नौकर हैं उसके देवता उनकी, और वो घूमते रहते हैं। वो फिर बताते हैं जाकर के कि वहां उस समय उस स्थान पर कोई तपस्या कर रहा है। तो इंद्र को पता चला मार्कंडे नाम का एक ऋषि और तपस्या कर रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो उसका तप भंग करवाना भी इंद्र का प्रथम कर्तव्य, उसकी मजबूरी है। जैसे विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने उर्वशी भेज दी और वो मेनका नाम की एक उर्वशी स्वर्ग से भेजी, वहां वो रहने लगी, दूर देख इधर उधर घूमने लगी। विश्वामित्र जी से उनकी
उनका लिंक हो गया, वहाँ एक पुत्री को जन्म देकर 6 महीने की जब होली वाली लड़की छोड़कर चली गई। अब विश्वामित्र का वो तपस्या भंग करवानी थी उसने, इंद्र ने वह करवा दी। फिर उस लड़की को जो लड़की उत्पन्न हुई थी उसको कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर लड़ लग गया। साधना वही है, लेकिन जब तक सत साधना ना मिलती यु काल ने दुखी रखेगा। अब मार्कंडेय ऋषि साधु तपस्या कर रहे थे, इंद्र को पता चला कि वो तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले, इस भय से उसने उर्वशी भेज दी मार्कंडेय ऋषि को मोहित करने के लिए, उस तपस्या से हटाने के लिए, खंड करने के लिए। उर्वशी वहां गई और ऐसी सिद्धि लेगी वो, आसपास उस ऋषि के 3-4 किलोमीटर के आसपास बसंत ऋतु जैसा वातावरण कर दिया, सब वृक्ष आसपास पेड़ पौधे जो थे फलदार थे वो फलों से लदपद फूलदार थे, वह फूलों की सुगंधित से भर दिए और बहुत सुंदर एक ऐसी सुरीली आवाज से गान गाने लगी, अपने आप ऑटोमेटिक बाजे बज रहे हैं, बहुत सुंदर मन को मोहने वाले। तो मार्कंडेय ऋषि के सामने वो उर्वशी डांस करने लगी। मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुली थी और उस गाने गुने को देख करके उसकी समाधि तो भंग होगी थी, लेकिन उसके असर नहीं हो रहा था। अंत में वो उर्वशी बिल्कुल नीवस्त्र हो जाती है, नेक्ड हो जाती है। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, तू यहाँ हमारे मेरे पास किस लिए आई? वस्त्र पहनते हुए उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडेय गोसाई, ना जाने तुम्हारी ये समाधि कहाँ रहती है, इस बनखंड के इस बन में जो इस आसपास के जो बन है, इस टुकड़े में जितने भी ऋषि तपस्वी थे मेरे रूप को देखते उनके डामाडोल मन हो गए, उनके तप भंग हो गए, और तुम ना जाने तुम्हारी समाधि कहाँ गई हुई थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई अगली हो उसको भेज। और जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं ध्यान लगाए बैठा था, वहां उस ब्रह्मलोक में तेरे जैसी औरतें, वहां डांस करने वाली औरतों की बांदी हैं, नौकरानी हैं, तुझे क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर उसको भेज, वह ट्राई करके देख ले मेरे को डगमग करने के लिए। तो उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? इंद्र की पटरानी ने कहा, इंद्राणी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। ओह पुण्यात्माओं, ये जो कथा आपको सुनाई जा रही है ये आपके हृदय को झंझोड़ के रख देगी, और यही कथाएं, ये यथार्थ ज्ञान है, ये आपको डाइवर्ट करेगा, आपको बदलेगा, चेंज करेगा। इस साधना से आपका मन हटेगा जो तुम साधना बहुत जन्मों से करते आ रहे हो। अब क्या कहती है, देखो उस प्यारी आत्मा ने कितनी तपस्या, कितना साधना की होगी, किसको, उस जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, पटरानी में मुख्य पत्नी, उसने कितनी साधना की होगी कि उसको कितना स्वर्ग का समय मिला कि 14 इंद्र मर जाएंगे, एक बेहतर चतुर्युग का शासन काल पूरा करके एक इंद्र अपना मृत्यु को प्राप्त होगा, उसके बाद जिसने दूसरे ने साधना कर रखी है इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य वो बैठ जाएगा, और मुख्य पत्नी वही बनी रहेगी, यानी 1008 चतुर्युग तक, जब तक ब्रह्मा का एक दिन रहेगा तब तक 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करेंगे, और वो पटरानी बनी रहेगी उन सभी की, वो मुख्य पत्नी वही रहेगी, यानी वो भी रानी है वहां की, और रानी का उसका सुख समय, वहां का स्वर्ग समय इतना लंबा है, इंद्र मरते रहेंगे, वो रहेगी फिर मरेगी। तो उसने कहा, मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तू 14 इंद्र वरेगी, अखामत
14 इंद्र मरूंगी, वो 14 भी मरेंगे फिर क्या करेगी। तब उसको पता था, उर्वशी कहती है कि जितने इंद्र इंद्र की गद्दी पर बैठेंगे, मेरे साथ रहेंगे मेरे पति रूप में, वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, ये मृतलोक कहलाता पृथ्वी, और मैं गधी बनूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि ने बोला, फिर मुझे स्वर्ग में किस लिए ले जाती, इंद्र के लोक में मुझे वहां किस लिए ले जावा थी। कहने लगी, अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो मुझे कहेंगे तू हार कर आ गई, मेरी हंसी मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एक बार तुम चल पड़ो। मार्कंडेय ऋषि ने बोला, रे बली आत्मा, तू आज भी गदी 14 खसम करेगी, और मरने के बाद तू आप कह लग रही मैं गदी बनूंगी, फिर गदी का इज्जत क्या, आज भी इज्जत का ठेका ले रही तू। अब इस प्रकार की भ्रमनाओं को ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हटावेगा, समाप्त करेगा। इतने में इंद्र आ गया, देख लिया कि भाई तो नहीं आर पाया और विजयी हुआ। एक धर्म नाता होता है, एक नियम होता है, उसने आते ही कह दिया कि हे बंद निवाज, हम आ रहे, आप जीत गए और इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, आप इंद्र की गद्दी लो। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, अरे रे इंद्र, तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, इसे गंदे लोक ने स्वर्ग राज ने कौन भोगे, जिसका भोगने वाला गधा बने। इंद्र आजा, तुझे मैं सही मार्ग बता देता हूं, ब्रह्म साधना कर ले, छोड़ दे इस इंद्र के राज ने, और ये साधना करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। ब्रह्म लोक में जो सही साधना करते हैं और एक निर्धारित समय तक अखंड करते रहे, उसमें बीच में कोई बाधा ना आवे, तो 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय तक ब्रह्म लोक में महास्वर्ग में वो प्राणी वहां उस होटल में रह सकता है। 36,000 वर्ष माने ब्रह्मा की मृत्यु तक। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, अब इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों के अक्षीण होने के बाद फिर 84,00,000 योनियों में वापस मृत लोक पर आते हैं, नरक में भी जाते हैं। अपुण आत्माओं, अब ये तत्व ज्ञान हमें समझाएगा, हमारी आत्मा की आंखों को खोलेगा कि मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मलोक ही फाइनल स्थान था उसके दृष्टि में, उसके ज्ञान के आधार पे, और ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं था, उसने सोच रखा था। लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर ये क्या करते हैं, साधना से कुछ भी कर रहे हैं, ओम नाम का जाप भी कर रहे हैं और हठ योग भी कर रहे हैं, लेकिन ये विष्णु जी को अपना इष्ट मानते। अपने आत्मा इनको ज्ञान ही नहीं था, ठीक है, जैसे कोई भी धारणा कुछ भी कर रखी है, जैसे आप जी ने कुछ धारणा कर रखी है, ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हो, कोई गोलियां खा रहे हो, वो गोलियां तो अपना, वो टेबलेट्स तो अपना काम कर ही रही है, तो ऐसे ही वो साधना कुछ भी करते थे, लेकिन विष्णु जी को इष्ट मानते थे। अब इनको ज्ञान भी इनकम्प्लीट था, और साधना वो भले ही ओम नाम की करता था और कहता था चल ब्रह्म लोक में, क्यों तू इस इंद्र के राज के चिपटा हुआ, छोड़ दे इसको। अपुण आत्माओं, इंद्र क्या कहता है, इंद्र कहता है महाराज जी ईव तमन मौज करन दो, फिर देखूंगा, फिर कभी देखूंगा, मने राज करन दो। अपुण आत्माओं, फिर के देखेगा इंद्र, जब गदा बन जाएगा फिर तो कुमार देखेगा,
फिर इंद्र क्या देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा, उसका लठ मारेगा, ढाई मन का वजन उसके कमर पर रखेगा माटी भर के। अब इसी प्रकार आप किसी जिसके पास ना बढ़िया नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या वैसे कोई बिजनेस व्यवसाय अच्छा हो, या घर में वैसे कोई किसान है वो अपना अच्छा उसका जुगाड़ है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, श्याम ने गुटी लावे, जन्म होके पाड़े, ताश खेले, सिनेमा देखे, और उसको कोई भक्त जाकर के मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करता है कि भगवान की भक्ति किया करो, हैं परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और समझाने की चेष्टा करते हैं, और वो फिर उठ सुट बोलते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि भक्ति ना करने से 84 लाख योनियों में जाते हैं, सुखदेव ने 84 भक्ति बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी पंडा पंथ पकड़वो, यानी उनको समझाया जाता है कि भक्ति ना करेगा तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा। तो वो क्या कहता है, वो भक्तिहीन प्राणी, ज्ञानहीन प्राणी, तो नो कह आकर नो कहते हैं किसने देखा है, देखी जाएगी। अब गधा अपने पास के देखी जाएगी, तो कुमार देखेगा फिर। अब देखना तो अब है, बुराई छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, फिर क्या देखेगा। अब जैसे कोई कई ये भी कहते हैं किसने देखा है, हमने ऐसे बहुत से व्यक्ति मिले वे किसने देखा है आगे क्या बनेगा, अरे जिन्होंने देखा उन्होंने आवाज लगाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, वो कोई मूर्ख थोड़े ही थे, एक अंदाजा रहा था। आगे से आंखों वाला आया और उसने कहा कि सूरदास कहां जा रहे हो, कि जिधर तुम जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है, आगे जंगल है, उसमें भयंकर जानवर हैं, इंसक जानवर तुझे खा जाएंगे, और नहीं वहां वन में घुस गया तो तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तू वापस हो ले। अब वो अंधा ये कहे कि किसने देखा है और देखी जाएगी ओण दे जो होगा, अरे भले आदमी यूं आंखों वाला तुझे बताने लग रहा है, इसने देखा है तभी तो बता रहा है, आप जैसा अंधा नहीं है, ये नेत्र ही नहीं है, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन करना चाहता है। तो इसी प्रकार हम जो भक्ति से ज्ञान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से, वो अज्ञानी है, ज्ञान नेत्रहीन है, और उनको आंखों वाला यानी कोई भक्त जाकर बताता है कि ये साधना करनी चाहिए, ऐसा ना करने से तेरे साथ ये होगा, और वो नौका देखी जाएगी, किसने देखा है तो मर कुएं में पड़ के, अब देखी है, वो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, जैसे परमेश्वर आए खुद बता के गए, फिर उनसे परिचित संतों ने यही बताया, और उन महापुरुषों ने जो अपना अनुभव लिखा है वो दास आपको बता रहा, और दास से सुनकर ये पुण्यात्मा अपने भाई बहनों रिश्तेदारों माता पिता पुत्र पुत्रियों को ये फिर वही बात बता रहे हैं कि परमात्मा का ये आदेश है, ये वचन है, जो भक्ति नहीं करता उसके साथ ऐसे बनेगी। अब एक समय मार्कंडे ऋषि, एक ये चीटियों की जो कतार होती है ना, कीड़नाल बोलना है उसने, कीड़नाल, ये चीटियां इधर उधर भागती हैं, कीड़ी, और लाखों की संख्या में इधर भाग रही है, लाखों की संख्या में इधर ऐसे भाग रही है। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल, कीड़ नाल बोले कीड़ी का नाल, के ये तो ऐसे लग रहा तुम नाज पुत्र की उत्पत्ति हुई, और आज ना चलो 50-60 साल 70 साल में मरे तो मरण मृत्यु तो सबकी ही होनी है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल, 1 लाख प्रतिदिन ऊपर जा रहे हैं और 1.25 लाख वापस आ रहे हैं जन्म लेने के लिए, 1 लाख ऊपर जा रहे हैं, तो वो एक ही रास्ता आने जाने का, तो वहां जाने वालों की नो भीड़ लग रही है, आने वालों की ऐसे।
तो एक चीटी के नाल पे, कीड़ी के नाल पे, यानी वो कीड़ियां जहां जा रही थी उस पर मार्कंडे ऋषि बैठकर गौर से देख रही थी। और इंद्र आ गया पीछे तक। इंद्र ने पूछा कि हे महर्षि जी, आप इन चीटियों को इतनी गौर से क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इनमें से ये देख रहा हूं अपने ध्यान दृष्टि से कि इन चीटियों में से कौन सी चीटी कितनी बार स्वर्ग का राजा रही है, इंद्र रही है। अब इंद्र के पैरों तले की जमीन खिसकी। कहने लगा भगवान, हे महर्षि जी, क्या चीटी भी कभी इंद्र रही है? कहा, क्या देखा आपने कि इनमें से एक चीटी ऐसी है जो केवल एक बार ही इंद्र की पदवी पर रही है और बाकी तो कई कई बार रही है? अपने आत्माओं विचार कर लो, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बया भोरे, कौआ हंस बुगारे। अब आज तो स्वर्ग का राजा और फिर गधा, गधे के बाद फिर और यूनिया, उसके बाद फिर चीटी, यानी असंख्यों जन्म हो गए अमने या धक्के खाते ने, सत साधना मिली नहीं मिला, ना निर्गुण रासा, ये यथार्थ ज्ञान हमें नहीं मिला, जो उलझेड़ा और संघर्ष इसी बात का चल रहा है। परमात्मा आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, लेकिन ये अज्ञानी नाड़ी काल से प्रेरित ये नकली संत ऋषि महर्षि गुरु परमात्मा से दूर कर देते हैं। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तू भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, विक्षक हो कह दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया, क्योंकि विष्णु जी के को हम पहले फाइनल गॉड माना करते हैं। जैसे कोई विष्णु जी का पुजारी है तो विष्णु जी को कंप्लीट गॉड, शंकर जी का पुजारी है शंकर जी को संपूर्ण पूर्ण परमात्मा, मृत्युंजय कालज माना करते थे। अब इनकी जीवनी को पढ़ने से पता चला, इनकी लीलाओं को पढ़ने से पता चला कि ये कंप्लीट गॉड नहीं है। जैसे इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओह ये प्रभु पद, विष्णु विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान, ये ईश पदवी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के लोक पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। आपने ये ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना होगा, ब्रह्मा कुमारी। अपने आत्माओं, ये दास जो कोई तुलनात्मक तरीके से किसी भी पंथ या संत के विषय में विवेचन देता है, दास का उद्देश्य उनकी कोई मान हानि करना नहीं है, उनके द्वारा लिखे गए ज्ञान के ऊपर ही टिप्पणी करता हूं। उनके उनकी हिस्ट्री में क्या लिखा है कि ये ब्रह्मा कुमारी पंथ जहां से चला उसमें वो थे लेखराज जी, श्री लेखराज जी, और वो बंबई के अंदर शराफ थे, शराफ मीन ये सुनार का काम करा करते, लेखराज वर्मा आभूषणों का काम करते थे। और उनके घर पे एक संत आते थे, वो सत्संग कराया करते, उनके माता पिता सत्संग कराया करते थे कभी कभी। तो एक दिन सत्संग चल रहा था और ये लगभग 50 साल की उम्र इनकी होगी थी, लेखराज जी की, ये बैठा सत्संग सुन रहा था और एकदम सत्संग सुनते सुनते इसकी आंखें अंगारा सी लाल होगी
और अचेत हो गया। बहुत देर के बाद होश में आया और फिर क्या कहने लगा, अहम ब्रह्मासि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं, मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं। कभी कहता स्योहम स्योहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। अब ये क्या होता है आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। एक ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी का वर्ष कैसा होता है, 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात ब्रह्मा जी की होती है। अभी चतुर्युग आपको बताया था कि एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। इन 4 युगों का हमारा मनुष्यों का जो वर्ष होते हैं वो 43,20,000 होते हैं, इतने वर्ष होते हैं एक चतुर्युग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन इतनी रात और 30 दिन रात का ब्रह्मा जी का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष ऐसे बना हुआ और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। इस वर्तमान ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरे कर चुका है, 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है। जैसे 50 पूरे होगी शेष भी होंगे 50, तो इसकी मृत्यु होगी। इससे 7 गुना विष्णु जी की आयु है और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की आयु है, ये शिव जी की आयु है। ऐसे इन तीनों की मृत्यु होगी, फिर 70,000 बार शिव जी की मृत्यु हो लेगी, तब एक वो सदाशिव है काल, जो किस ब्रह्मांड का स्वामी, वो ब्रह्मांड में रहता है, ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है, तो तब उसकी मृत्यु होगी। किसकी? ब्रह्म की, काल की, सदाशिव की, उस काल रूपी ब्रह्म की मृत्यु होगी। वो एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, नोट चतुर्युग। अक्षर पुरुष की आयु कैलकुलेशन करते समय वहां चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात और ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष की आयु, उसकी भी मृत्यु होगी। परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव की, उसकी मृत्यु नहीं, ना उसकी आयु कैलकुलेशन। तो यहां क्या हुआ, जैसे कोई ब्रह्मा जी की पद पर जो रहा है उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद उसके अंदर वही बात, जैसे कोई सरपंच ना रहा और वो फिर भी लोग उसने सरपंच कहते हैं, आओ सरपंच साहब ठीक से कहाँ भाई, तो उसके मन में वह करडसी फिर रह जाती है, कौन वो कहीं पूछता है कौन है, सरपंच हो भाई, मैं सरपंच जा रहा हूँ, सरपंच है कहाँ, सरपंच हो, चाहे वो भूतपूर्व ही है। तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा की पदवी त्याग के पितर रूप बन जाते हैं और पितर इन प्रेतों से थोड़े से सुपीरियर होते हैं, उसी तरह जैसे मृत्यु से पहले जैसे जिसकी कैटेगरी सी रहती है, ऐसे ही मृत्यु के उपरांत ये प्रेत बन के भी ऐसे ही अपने आप को, उस प्राणी तो वही है, ये शरीर ऊपर का कवर गया है, बाकी सोच न्यो की न्यो होती है, तो वो फिर भी अपने आप को सरपंच यानी ब्रह्मा कहते हैं, वो ब्रह्मा से पदवी छोड़ के आया है जो, अब वो प्रेत बने अंडा है, वो प्रवेश कर गया और उसमें दूसरा बढ़ गया, वो कहने लगा मैं शिव हूं, वो को शिव जी की पदवी छोड़ के आया है पहले कभी वर्षों पहले, और तो वो अब भूत बना फिरे है, वो प्रवेश कर गया इस ब्रह्मा कुमारी वाले श्री लेखराज जी में और वो लगा फिर एंड बैंड बना, उसने भी नारा काल का तो काम है यो, अब अलग से ना कोई जाप उनके पास, ना कोई उनका गुरु, वो भूत आकर प्रवेश करता किसी एक बहन या भाई में
और उसमें वो बोलता है, जो कुछ भी वो बोलता है उसको नोट कर दिया जाता है और उसको लिख करके फिर श्रद्धालुओं को भेज दिया जाता है कि परमात्मा के आवाज आदेश है, ये पढ़ लो। उनको मुरली कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, यहां जो दास आपको बताना चाह रहा था, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मर रे, द्वादश मध्यमैल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे, असंग जन्म मरते हो गए जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना ये है पुण्यात्माओं। एक तो मरे हुए व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं रहती उस शरीर की, मुर्दे की। तो इस प्रकार हमारी क्रिया बन जाए, हमने बीड़ी शराब मांस तम्बाकू लोभ लालच मोह की चाह खत्म हो, एक तो मृत्यु ऐसे जीवित मरना। दूसरी जीवित मरना यह है, जैसे आप जी हम सभी कोई भी देख लो, जैसे आज एक पुस्तक समाचार पत्र में है, नेपाल के अंदर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 22 व्यक्ति मर गए, 22। रोजाना पढ़ते हैं कि 10 मर गए, कितने 20 मर गए, को 7 मर गए, कितने 8 मर गए। अब जो विमान में जा रहा है उसको कितनी आशाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं, कहाँ जाऊंगा, फिर नो करूंगा, ऐसे करूंगा। अच्छा, पैसे वाला भी है जो विमान में यात्रा कर रहा है, और फिर कहाँ गया, कहीं नहीं गया, वो मर गया, खत्म हो गया वो सारी इच्छाएं, और वो घर, वो परिवार, वो सदस्य उसके नो के नो उसके वो रह गए, वो दोबारा आकर के उस घर में प्रवेश करके कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे आप जी भगवान के लिए चलते हो, तो ये समझ लो कि मेरी भी ऐसे मान लीजिए आज मृत्यु हो जा, तो फिर इस परिवार को कौन संभालेगा, इस कार्य को कौन संभालेगा। पुण्यात्माओं, ये मन में हमारा बैठती को नहीं बात जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। काल के जाल से निकलने के ये फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों ने अप्लाई करोगे तो आप काल के जाल से ऊपर उठोगे, ना तो उठे ना जा। ठीक है, जैसा करोगे, जैसी साधना करोगे, वैसा तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।